देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पांचपावली पुलिस ने दबोच कर विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। झोपड़पट्टी भीमनगर निवासी प्रिंस चौहान दे उम्र 28 वर्ष ने शिकायतकर्ता पांचपावली संताजी मठ निवासी रवि समर्थ उम्र 24 वर्ष को आवाज दी। कहने लगा कि तू बहुत माल कमा रहा है, मेरे को हर महीने खर्चा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी लाश गिरा दूंगा। अभी मुझे दारू के लिए 500 रुपए दे, ऐसा कहकर गाली गलौज करने लगा। तब भी रवि ने कुछ नहीं कहा। दोबारा फिर आरोपी ने हफ्ता मांगा और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, रवि के साथ हाथापाई करते हुए उसके घर के सामने रखी दुपहिया वाहन को लात मारकर गिरा दिया। आरोपी से तंग आकर रवि ने पांचपावली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 384, 385, 294 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कल दिनांक 30/5/2023 को फिरियादी नामे रवि दीपक समर्थ वह 24 वर्ष धंधा खाजगी बाड़ाभाव पेट पुलिस स्टेशन पांचपावली, इन्होंने आके पुलिस स्टेशन में यह तकरार दी थी कि घटनास्थल फिरियादी के घर बाड़ाभाव पेट यहाँ इस जगह पर आरोपी नामे प्रिंस प्रमोद चाहदे वह 24 वर्ष भीमनगर जरीपट का ये इसने आके फिरियादी को आप दारू बेचते हो, आप मुझे दारू पीने के लिए 500 रुपए दो, नहीं तो आपको अभी यहीं पे जान से मार दूंगा, ऐसे कह के धमकी जान से मारने की धमकी दी और तलवार निकाल कर फिरियादी को धमकाया और फिरियादी के गाड़ी को लात मार कर गाड़ी का नुकसान किया और गाली गलौज भी की है। और इस सबकी जांच अभी पुलिस स्टेशन पांचपावली के यहां से चालू है। आरोपी को अटक किया गया है, आगे की जांच पुलिस कर रही है। हाँ बिल्कुल सही, उस इस आरोपी के ऊपर पहले के 9 अपराध किए गए हैं जो कि पुलिस स्टेशन पांचपावली में दाखिल है और जरीपट का यहीं पे पहले के रिकॉर्ड है इसके आरोपी। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।